तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, छोटी छोटी बातों पर। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे ओवर स्मॉल थिंग्स, और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स मीन्स तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। She sheds tears over small things. She sheds tears over small things. Means वह छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। She sheds tears over small things. वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। He gets irritated over small things. He gets irritated over small things. Means वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है। He gets irritated over small things. छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो। Don't get offended over small things. Don't get offended over small things. Means छोटी छोटी बातों का बुरा मत मानो। Don't get offended over small things. मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। My boss shouts over small things. My boss shouts over small things. Means मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। My boss shouts over small things. ये सारे सेंटेंस सीखने के बाद एक क्वेश्चन आपके लिए भी है। आपको ये बताना है कि वह मेरी छोटी छोटी बातों पर हंसती है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। किससे बात करनी है तुम्हें? Whom do you want to talk? Whom do you want to talk? Means किससे बात करनी है तुम्हें? Whom do you want to talk? किससे मिलना है तुम्हें? Whom do you want to meet? Whom do you want to meet? Means किससे मिलना है तुम्हें? Whom do you want to meet? किससे बात कर रहे हो तुम? Whom are you talking to? Whom are you talking to? Means किससे बात कर रहे हो तुम? Whom are you talking to? किससे बहस कर रहे थे तुम? Whom were you arguing with? Whom were you arguing with? Means किससे बहस कर रहे थे तुम? Whom were you arguing with? किससे गाली दे रहे थे तुम? Whom were you abusing? Whom were you abusing? Means किसे गाली दे रहे थे तुम? Whom were you abusing? चुप रहने का क्या लोगे? What will you take to keep quiet? What will you take to keep quiet? Means चुप रहने का क्या लोगे तुम? What will you take to keep quiet? तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? What will you take to leave from here? What will you take to leave from here? Means तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? What will you take to leave from here? तुम सच बोलने का क्या लोगे? What will you take to speak the truth? What will you take to speak the truth? Means सच बोलने का क्या लोगे तुम? What will you take to speak the truth? पढ़ाई करने का क्या लोगे? What will you take to study? What will you take to study? Means पढ़ाई करने का क्या लोगे तुम? What will you take to study? वह फोन छोड़ने का क्या लेगा? What will he take to leave the phone? What will he take to leave the phone? Means वह फोन छोड़ने का क्या लेगा? What will he take to leave the phone? वह बहुत अमीर लग रही है। She seems to be so rich. She seems to be so rich. Means वह बहुत अमीर लग रही है। She seems to be so rich. तुम्हारी शर्ट बहुत पुरानी लग रही है। Your shirt seems to be very old. Your shirt seems to be very old. Means तुम्हारी कमीज बहुत पुरानी लग रही है। Your shirt seems to be very old. वे बहुत भूखे लग रहे हैं। They seem to be very hungry. They seem to be very hungry. Means वे बहुत भूखे लग रहे हैं।
दे सीम टू बी वेरी हंग्री। वह उदास लग रहा है। इट सीम्स टू बी अपसेट। इट सीम्स टू बी अपसेट मीन्स वह उदास लग रहा है। इट सीम्स टू बी अपसेट। ये कार नई लग रही है। दिस कार सीम्स टू बी न्यू। दिस कार सीम्स टू बी न्यू मीन्स ये कार नई लग रही है। दिस कार सीम्स टू बी न्यू। दूध खत्म हो गया है। खत्म हो जाना को इंग्लिश में हम बोलते हैं रन आउट। और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे द मिल्क हैज रन आउट मीन्स दूध खत्म हो गया है। द मिल्क हैज रन आउट। आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज रन आउट। द फ्लोर हैज रन आउट मीन्स आटा खत्म हो गया है। द फ्लोर हैज रन आउट। खाना खत्म हो गया है। द फूड हैज रन आउट। द फूड हैज रन आउट मीन्स खाना खत्म हो गया है। द फूड हैज रन आउट। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। आई हैव रन आउट ऑफ फोन बैटरी। आई हैव रन आउट ऑफ माई फोन बैटरी मीन्स मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। आई हैव रन आउट ऑफ माई फोन बैटरी। वह फोन चलाने में मगन है। मगन होना को हम इंग्लिश में बोलते हैं engrossed in। और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे he is engrossed in operating the phone। he is engrossed in operating the phone means वह फोन चलाने में मगन है। he is engrossed in operating the phone। बच्चे टीवी देखने में मगन है। children are engrossed in watching tv। Children are engrossed in watching TV means बच्चे टीवी देखने में मगन हैं। Children are engrossed in watching TV। हम फिल्म देखने में मगन थे। We were engrossed in watching the film। We were engrossed in watching the film means हम फिल्म देखने में मगन थे। We were engrossed in watching the film। वे अपनी ही दुनिया में मगन है। He is engrossed in his own world। He is engrossed in his own world means वह अपनी ही दुनिया में मगन है। He is engrossed in his own world। वह काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है। काफ़ी अच्छा को इंग्लिश में हम बोलते हैं well enough। और कंप्लीट सेंटेंस को हम बोलेंगे She dances well enough। She dances well enough means वह काफ़ी अच्छा डांस कर लेती है। She dances well enough। वह काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। He speaks English well enough। He speaks English well enough means वह काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है। He speaks English well enough। आप काफ़ी अच्छी चाय बना लेते हो। You make tea well enough। You make tea well enough means आप काफ़ी अच्छी चाय बना लेते हो। You make tea well enough। आप काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हो। You talk well enough। You talk well enough means आप काफ़ी अच्छी बातें कर लेते हो। You talk well enough। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे sooner or later You will need me। Sooner or later you will need me means कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। Sooner or later you will need me। कभी ना कभी तो वह यहाँ आएगा। Sooner or later he will come here। Sooner or later he will come here means कभी ना कभी तो वह यहाँ आएगा। Sooner or later he will come here। कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। Sooner or later you will get married। Sooner or later you will get married means कभी ना कभी तो तुम शादी करोगे। Sooner or later you will get married। कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। Sooner or later you will regret। Sooner or later you will regret means कभी ना कभी तो तुम पछताओगे। Sooner or later you will regret। Guys, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।